नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसमें L1 सन और अर्थ के बीच में वो पोजिशन पॉइंट है जहां पर उस स्पेस क्राफ्ट को स्थिर किया जाएगा। अर्थ से उस L1 पॉइंट की डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर है। L1 पॉइंट तक पहुंचने में इस स्पेस क्राफ्ट को तकरीबन 109 दिन के आसपास लगेंगे। इसरो से पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सोलर मिशन भेजे हैं। एल पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में दो बॉडी के बीच स्थित वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर अगर से किसी थर्ड बॉडी को रखा जाए तो उस थर्ड बॉडी पर लगने वाला आकर्षण बल दोनों तरफ से बैलेंस हो जाता है और वह थर्ड बॉडी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्थिर रह जाती है। सन और अर्थ के बीच में इस तरीके के 5 लैग्रेंज पॉइंट स्थित हैं, L1 से लेकर L5 तक। इनमें L1 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि अर्थ से करीब भी, और L1 पॉइंट में अगर से किसी स्पेस क्राफ्ट को स्थिर किया जाता है तो वहां से वह सूर्य को 24 घंटे स्टडी कर सकता है। आदित्य L1 का प्रमुख ऑब्जेक्टिव सन के कोरोना और क्रोमोस्फेयर को स्टडी करना है, साथ ही सन के मैग्नेटिक फील्ड व सोलर विंड्स को भी स्टडी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।